ओके, तो फिलहाल मैं और केतन है एंड ये एक छोटा सा वीडियो रहने वाला है। अगर आप कभी गाड़ी वगैरह चलाना सीख रहे हो तो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत साल पहले मैं गाड़ी चलाया था भाई, शेवरलेट था जो हमारा स्पार्क था, तो उसी पे मैं सीखा था थोड़ा बहुत एंड आज मैं चलाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो वेन्यू चलाने वाला हूँ, टर्बो वाला। वाओ, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो नाउ इट्स योर टर्न, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। ओके ओके, मेरा दूंगा मैं केतन को एंड मैं जाऊंगा आज तुम्हारा भाई ड्राइवर बनने का, भाई ड्राइवर इन द हाउस। तो भाई आज प्रभाकर चलाने वाला है गाड़ी, वेन्यू टर्बो। टर्बो का भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है तेरे को? अभी तो फर्स्ट गियर पे चला आराम से। सबसे पहले गियरिंग का एक बार देख ले, क्लच क्लच कर। हाँ, अभी फर्स्ट गियर लगा। मैं बोलता हूँ अभी जब गियर जब न्यूट्रल पे रहेगा ना, तब गियर इस पॉइंट पे रहता है, 3 और 4 के बीच में। अभी तेरे को 1 पे लेना है, तो मतलब ऐसा राइट पे लाके ऐसा ऊपर लेना है। अच्छा, इसका रिवर्स इस तरफ क्यों है? मतलब वही मैं समझ नहीं, ये रिवर्स इस तरफ दिया है, इसका गियर का मैकेनिज्म ही ऐसा होगा। लेकिन तो इसको लगाना कैसे? वहाँ पे आपका ऐसा हाथ का दिया रहता है, इसको ऊपर खींचना पड़ता है, साइड पे नॉब है। हाँ, इसे ऊपर खींच के, इसे ऊपर खींचोगे तब जाके ये ज्यादा राइट पे आएगा। ये नॉब नहीं खींचोगे तो इतना तक आएगा बस, 1 पे जाने के लिए। ठीक है, तो लेट्स गो, लेट्स गो। स्टार्ट दो, स्टार्ट दो पहले। दिस इज द बेसिक भाई, बेसिक। चलो कोई बात नहीं, तो क्लच करके स्टार्ट देना है। हाँ हाँ हाँ, हो गया भाई, फर्स्ट टाइम। लेट्स गो, लेट्स गो। हैंडब्रेक, हैंडब्रेक उतारो, हैंडब्रेक थोड़ा ऊपर से खींचना पड़ता है, प्रेस करके ऊपर से खींचो। ओह अच्छा, ठीक है, चलो। इसको बंद मत होना भाई, क्लच छोड़ने से ही ये चला जाएगा। हाँ, नहीं तो जो मैं शेवलेट जब मैं चला रहा था ना, तो उसमें तो प्रेशर वगैरह देना पड़ता, पर ये तो हाँ। बहुत स्मूथ है भाई, बहुत स्मूथ है। गोबर के ऊपर मत लेना बस। तो गाइस मैं चला रहा हूँ भाई, फाइनली इतने सालों के बाद। पर एक चीज मैं देख रहा हूँ कि हाँ, बड़ा गाड़ी चलाने में ना, मैं वही एक चीज बिगिनर्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा आपको टाइम, बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे हिसाब से मुझे बहुत टाइम लग जाएगा ये साइड मेंटेन करने में, क्योंकि हाँ दिक्कत तो हो रहा है। छोटा गाड़ी में बहुत इजीली आपको दिखाई देता है, आप समझ जाओगे, पर ये बड़ा गाड़ी में थोड़ा तो दिक्कत होगा अगर आप सीख रहे हो एज ए बिगिनर, मेरे हिसाब से। हाँ, फास्ट में चल रहा है, सेकेंड में डालूँ या फिर नहीं? थोड़ा एक्सेलरेट कर, उसके बाद सेकेंड में डाल। ओके, कितना पे जाना चाहिए? अच्छा हाँ, तो फास्ट से सेकंड में जाने के लिए कितना एक्सीलरेशन होना चाहिए, स्पीड कितना होना चाहिए, वो चलाते वक्त समझ में आएगा ना। जैसे कि अभी कर सकता है तो सेकंड गियर पे भी इस जगह में चला सकता है आराम से, बंद तो नहीं होगा ना? नहीं होगा। ओके, तो मैं डाल रहा हूँ वेट, ये छोटा सा टर्निंग में ले ले, फिर डाल देना भाई। बहुत स्मूथ है भाई, बहुत स्मूथ है भाई, प्यार हो गया भाई। क्लच करके फोर्थ लगा दिया तूने, फोर्थ लगा दिया। अच्छा, ये तो न्यूट्रल है ना? हाँ, नहीं अभी फोर्थ जा रहा है साइड पे लाके। हाँ बस हो गया। अच्छा अच्छा, सॉरी, गया देखा, इजी। अभी ये ऑटो लॉक हो गया है। हाँ, विंडोज वगैरह ना? हाँ, विंडो नहीं, डोर। ओह, डोर, डोर, सॉरी भाई। बहुत सही फीलिंग आ रहा है भाई, इतने सालों के बाद स्टीयरिंग टच किया मैंने भाई। थैंक्स भाई, केतन थैंक्स। अरे यार, ये भाई कोई देता नहीं है भाई, डरते हैं भाई लोग। हाँ सही है, डरना चाहिए भाई, क्योंकि बिगिनर को फट करके गाड़ी देना सही नहीं है, पर केतन ने इतना बिलीव रखा है मुझ पे, दैट इज बिग थिंग। अच्छा, अब कुछ मैं एक चीज बोलता हूँ, बाइक हो गाड़ी हो जो भी हो, चलाने के लिए रिफ्लेक्स का बहुत ज्यादा नेसेसरी है। रिफ्लेक्स अगर आपका स्ट्रांग है, आप बाइक चला लोगे इजीली, गाड़ी भी चला लोगे इजीली। अगर आपको नहीं भी आता तब भी आप लोग चला लोगे, आपको जस्ट वो ब्रेक का रिफ्लेक्स रहना चाहिए। अगर कुछ हो गया आपको झट से ब्रेक मारना है बस। बहुत लोग क्या करते हैं, इन सब का रिफ्लेक्स नहीं रहता, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, निकल जाते हैं गाड़ी बाइक लेकर, और तो जाके देखोगे नाला में घुसा दिया, तो यहाँ गिर गया, वहाँ गिर गया, इसको ठोक दिया, वो कर दिया। लेकिन ये जैसे कि पापा के परी से बच के रहना। तो वही बात है, अब अगर आप साइकिल वाइकल चला रहे हो, एक डेढ़ साल चला लियो, कंटिन्यूस चला रहे हो, तो आपको ब्रेक का रिफ्लेक्स आ जाएगा। उतना तक मैं बोलूंगा, उसके बाद आप स्कूटी इजीली चला लोगे, बाइक भी इजीली चला लोगे। मेरा बहन भी आराम से बाइक चला लेती है, वो क्लास 10 पे पढ़ती है, उसका साइकिल का रिफ्लेक्स बहुत अच्छा है, तो मैंने उसको बाइक सिखा दिया, वो आराम से चला भी लेती है बाइक। वही तो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। और ये जैसे कि राइडिंग वाइडिंग करता है, अभी जस्ट ये सिक्किम से आ रहा है, तो रिफ्लेक्स तो इसका अच्छा है ही है, तो मेरे को यहीं से मेरे को ट्रस्ट आ रहा है इसके ऊपर। मैं तो सिक्किम तो बाइक ले गया था, गाड़ी क्यों दे दिया मुझे? रिफ्लेक्स तो है ना, ब्रेकिंग का रिफ्लेक्स है। यस, इतना तो मैं कंट्रोल कर ही लूंगा। देखो, गाड़ी स्टार्ट ऑफ हो जाएगा, उसका कोई
इशू नहीं है, लेकिन सामने जाके आपको ठोकना नहीं है, ठोकने से बचाना है, ब्रेक मारना है बस, उसका रिफ्लेक्स होना चाहिए। और मेरे हाथ में तो ये हैंड ब्रेक है ही, मैं यहाँ से ब्रेक मार दूंगा अगर चाहिए तो। मैं ड्रिफ्ट नहीं करना है। काफी सही लग रहा है भाई, काश अभी रिवर्स करके देख ले एक बार। रिवर्स करते हैं ना, क्लच ब्रेक कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया। क्लच 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 करके रख, क्लच करके रख, क्लच छोड़ देगा तो स्टार्ट ऑफ हो जाएगा। अच्छा बंद हो गया ना। हाँ ये चीज देखा आपने, क्योंकि मैंने हाफ क्लच किया था, ब्रेक जोर से दबाया इसलिए स्टार्ट बंद हो गया। फुल क्लच रिवर्स, हाँ बस रिवर्स लग गया। स्टीयरिंग घुमाने से ये भी घुमेगा, गाइड करता है ये तेरे को। पिलर वाला तो नहीं है ना? नहीं है, नहीं है, नहीं है भाई। ये एडवांटेज है ना, अगर आप वो ले रहे हो तो, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, जो गाड़ी ये आती है ना पार्किंग कैमरा के साथ आती है, ये एडवांटेज है अगर आप ले रहे हो तो। अच्छा ये चीज मुझे बहुत टाइम लग जाएगा सीखने में, क्या बोलते हो, जैसे कि मैं पीछे कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप भी देखना, पीछे कर रहा हूँ ये, आप एक ये देखो कांप रहा है ना, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गियर का रेशियो और एक्सेलरेशन मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, थोड़ा सा एक्सेलरेट करेगा तो आराम से जाएगा, देख आराम से जा रहा है अभी, देखा अभी आराम से गया भाई, मुझे रेडर बनना है भाई। अब प्लेन अभी थोड़ा टर्बो का वो करके देख ले। टर्बो कर देने, मुझे नहीं करना है। सीधा सीधा है, सीधा है, कर ले कर ले। तो कैसे करना, कैसे है? तू एक्सेलेरेटर को प्रेस करके रख जोर से या फिर नॉर्मली? जोर से, वो भाई छोड़ दे। ओहो देखना वो गोबर पे जा रहा है, देखना भाई सही है भाई इसका टर्बो। जाते वक्त मैं अच्छे से दिखाऊंगा, जब केतन चलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भाई, क्योंकि एक दिन हम लोग, मैं फर्स्ट टाइम जब केतन आया था हमारे घर की तरफ, तो हम लोग ऐसे घूमने के लिए निकले थे, तब भाई इसने टर्बो दिखाया था मुझे, क्या भाई पंच है भाई। अच्छा टर्बो के लिए भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था क्या? नहीं 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 नहीं, क्या तो SS के साथ डायरेक्ट टर्बो था वो? ये मॉडल का नाम ही है SX टर्बो। अच्छा, तो वो ऑटोमेटिकली दिया हुआ था स्टॉक। तो आपने देखा मैंने चलाया थोड़ा सा, एंड अगर बिगिनर्स हो ना तो वही आपको थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा, ऐसे भी आप मतलब थोड़ा क्लच एंड एक्सेलेरेटर को थोड़ा सा आपको मैनेज मतलब मिला के आपको खींचना है, ठीक है, वरना गाड़ी रुक जाएगा, बंद पड़ जाएगा। मुझे तो लगा था मैं खींच नहीं पाऊंगा, बंद ही हो जाएगा, पर नहीं बंद तो नहीं हुआ, ये सही था। ओके तो एज ए बिगिनर मुझे आता है, 20% चला ही लूँगा। अब मेन थिंग है वो थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा, तभी जाके आप कॉर्नरिंग वगैरह देख पाओ, मतलब अच्छे सब समझ पाओगे। ओके कैथन चला रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, एंड बिगिनर्स के लिए था ये वीडियो, छोटा सा वीडियो था, तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। छोटा सा सिंपल सा एक वीडियो था। बाय बाय बाय।